बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो, की आयो? उम्मीद है तमाम सब ठीक हुंदो। अज मां तहां के क्लास 7 जी सिंधी में सबक नंबर पहरियों हमद पढ़ाइंदस। हमद छा के चबो आहे? हमद उन नज़म के चबो आहे या बेत के चबो आहे जै में अल्लाह ताला जी तारीफ या सना बयान थियल हुजे। इन हमद के लिखण वाले शायर जो नालो मिर्ज़ा कलीज बेग आहे। अचो त हमद जी रीडिंग कयूं। बैत नंबर पहरियों। इलाही करम कर असां ते करारी, आहियूं असल खां सब दुखिया ऐं डोहारी। इस शेर में शायर अल्लाह से इल्तिजा करते हुए फरमा रहे हैं कि ए हमारे रब, हम बहुत गुनाहगार हैं और तकलीफ़ में हैं, तू हम पर करम कर और रहम की नज़र कर। हाणे बैत नंबर ब। ॾिजई दीन ईमान पंहिंजे करम सां, कसूं कल्ब मां कोरे कढजई कुफारी। इस शेर नंबर 2 में शायर फरमा रहे हैं ए मेरे रब, तू हम सबको ईमान की दौलत अता कर और हमारे दिलों से बुराइयों और नफ़रतों को निकाल कर हमें गुनाहों से पाक और साफ कर दे। बैत नंबर 3। दुखन दोजरन जी हिज़ा कई खराबी, भला आण का सुख संदी नो बहारी। बैत नंबर शेर नंबर 3 का तर्जमा है। शायर अल्लाह से इस शेर में इल्तिजा करते हुए फरमा रहे हैं कि ए मेरे रब, हमारी ज़िंदगी से गफलत और गुनाहों की वजह से खुशियां हमसे रूठ गई हैं और फ़िज़ा के मौसम की तरह हमारा बुरा हाल है, तू हमें नेमतें अता कर और माफ़ कर ताकि हमारी ज़िंदगी में फिर से बहार आ जाए। बैत नंबर 4। न को खैर जो कम कयो सूं खुदाया, गुनाहन में घारी उम्र सब गुजारी। बैत नंबर 4 की शेर नंबर 4 की मायना है। इस शेर में शायर अल्लाह से अपना हाल बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी में गुनाहों में गुजर गई है, हमारी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर गई है, हमने पूरी ज़िंदगी कोई ना नेकी का काम कर सके हैं ना कोई अच्छा अमल कर सके। बैत नंबर 5। चंगाई जो रस्तो बताइज असांखे, करियूं शाल तौबा जे तुरत ऊं तैयारी। शेर नंबर 5 में इस शेर में शायर फरमा रहे हैं, मिर्ज़ा साहब अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए फरमा रहे हैं कि हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा और हमें हिम्मत दे कि हम जल्द तौबा करने वालों में शामिल हो जाएं। बैत नंबर 6। आयूं गैर वाकिफ़ न को सुहूं साथी, अॻियां पेचिरा पया मथां रात कारी। शेर नंबर 6 में शायर फरमा रहे हैं ए हमारे रब, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी पुरसान हाल नहीं है, हर तरफ अंधेरा है, हम रास्ता भूल गए हैं, हम पर अपना करम कर और हमारा रास्ता आसान बना और हमें परेशानियों से बचा। बैत नंबर 7। इबादत संदो शोक दे तू असांखे, संवारिज सिखारिज हुनर सब हज़ारी। शेर नंबर 7 की मायना है। इस शेर में शायर अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि हमें अपनी इबादत का शौक अता कर ताकि तुम्हारे बताए हुए सही रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पा सकें। बैत नंबर 8 आखिरी बैता। निमी तो अग्यां चए कलीज ए खुदावन, करियूं दिल सा तोबा हर वक्त जारी। इस आखिरी शेर में मिर्ज़ा कलीज बेग अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, मुझे सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता कर, बेशक तू तौबा कबूल करने और बख्शने वाला है। प्यारे बच्चों, सिंधी में सबक पहरियों हमद आपको पढ़ाई गई और उर्दू में समझाई गई। आपको मश्की सवालात के नोट्स दिए जा चुके हैं, आप उनको कॉपी पर लिखें और पढ़ें और याद करें और टेस्ट की तैयारी करें।
उम्मीद है आपको लेसन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।